अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एवोगैड्रोज नंबर पढ़ेंगे और एवोगैड्रोज नंबर के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। एन इटालियन साइंटिस्ट कैलकुलेटेड द नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और आयंस प्रेजेंट इन वन मोल। तो इटालियन साइंटिस्ट जो कि एवोगैड्रोज थे, उन्होंने कैलकुलेट किया नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और आयंस को जो कि वन मोल में प्रेजेंट थे। द वैल्यू इज फाउंड टू बी 6.02 एक्सपोनेंशियल 23। दिस वैल्यू इज रिप्रेजेंटेड बाई एन ए एंड इज कॉल्ड एवोगैड्रोज नंबर। इस वैल्यू को जो हमने नाम दिया है वो क्या नाम दिया है? एवोगैड्रोज नंबर। फॉर एग्जाम्पल, वन मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 32 ग्राम। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का वन मोल बराबर है 32 ग्राम के। 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन will contain Avogadro's number, ठीक है? will contain क्या है Avogadro's number? 6.02 exponential 23 molecules। मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ कि वन मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कंटेन करता है 32 ग्राम और 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल विल कंटेन 6.02 एक्सपोनेंशियल 23 मॉलिक्यूल। सिमिलरली, वन मोल ऑफ NaCl, अब यहाँ हमने दो जो है वो एटम्स ले लिए, सोडियम एंड क्लोराइड। वन मोल ऑफ NaCl बराबर है, आपको पता है इसका फॉर्मूला मास, मॉलिक्यूलर मास क्या निकलेगा? 23 प्लस क्लोरीन का होता है 35.5, तो ये क्या हो जाएगा? 58.5 ग्राम ऑफ NaCl। तो वन मोल ऑफ NaCl बराबर है 58.5 ग्राम ऑफ NaCl की। इसी तरह से 58.5 ग्राम ऑफ NaCl विल कंटेन 6.02 एक्सपोनेंशियल 23 प्लस 6.02 एक्सपोनेंशियल 23। तो वन मोल ऑफ NaCl कंटेन करता है 58.5 ग्राम ऑफ NaCl। तो यहाँ पर दो मोल्स हैं हमारे पास, ठीक है? अब वन मोल ऑफ Na कंटेन करेगा 6.02 एक्सपोनेंशियल 23 एंड वन मोल ऑफ Cl कंटेन करेगा 6.02 एक्सपोनेंशियल 23। तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? सम हो जाएंगे। तो न्यूमेरिकल में क्वेश्चन नंबर वन हमारे पास है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 9.2 ग्राम ऑफ कैल्शियम। तो नंबर ऑफ एटम्स हमने क्या करने हैं? फाइंड आउट करने हैं। और हमें गिवन मास गिवन है यहाँ 9.2 ग्राम ऑफ कैल्शियम और कैल्शियम का एटॉमिक मास हमें मालूम है। तो हम बनाते हैं डेटा, ठीक है? डेटा में हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम 40। अब आपको पता है 1 ग्राम एटॉमिक वेट, 1 ग्राम एटॉमिक वेट ऑफ कैल्शियम कंटेन कर रहा है 40 ग्राम। तो 40 ग्राम कैल्शियम कंटेन करेगा 6.02 एक्सपोनेंशियल 23 एटम्स ऑफ कैल्शियम, ठीक है? ये हमने क्यों किया है? क्योंकि हम नंबर ऑफ एटम्स फाइंड आउट करने जा रहे हैं, तो यहाँ हमें एवोगैड्रोज नंबर की ज़रूरत पड़ेगी। तो जो 40 ग्राम ऑफ कैल्शियम जो है कंटेन कर रहा है, कितने एटम्स? 6.02 एक्सपोनेंशियल 23 एटम्स ऑफ कैल्शियम कंटेन कर रहा है। अब हम क्या करेंगे? फॉर्मूला लगाते हैं। नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल्स टू एवोगैड्रोज नंबर मल्टीप्लाई बाय मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास। इस फॉर्मूले का आपने इस्तेमाल करना है, ठीक है? तो डेटा में हमें एवोगैड्रोज नंबर हमने निकाल लिया है, मास हमें गिवन है क्वेश्चन में और एटॉमिक मास हमें मालूम है कैल्शियम का। तो अब हम पुट कर लेते हैं अपनी वैल्यूज़ को। 6.02 एक्सपोनेंशियल 23 मल्टीप्लाई बाय 9.2 डिवाइडेड बाय 40, ठीक है? तो पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हम, उसके बाद इसको डिवाइड करेंगे हम।
1.384 एक्सपोनेंशियल 23 एटम्स ऑफ कैल्शियम। तो हमने क्या फाइंड आउट कर लिया है, नंबर ऑफ एटम्स हम फाइंड आउट कर चुके हैं। तो ये तो हमने फाइंड आउट कर लिए नंबर ऑफ एटम्स, अब हम फाइंड आउट करेंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो हम आ गए हैं, तो सेकंड क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 8 ग्राम ऑफ C6H12O6। यहाँ हमें क्या फाइंड आउट करने हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, क्योंकि अवोगैड्रोज ने नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और आयंस को फाइंड आउट किया था इन अ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। तो हमारे पास तो जो सब्सटेंस है वो है C6H12O6, तो अब हम इसमें निकालते हैं इसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो हम पहले डाटा बना लेते हैं। डाटा में जो चीज़ हमें गिवन है वो है मास, गिवन मास हमें गिवन है, ठीक है, गिवन मास ऑफ C6H12O6 इज इक्वल्स टू 8 ग्राम, और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ C6H12O6 इज इक्वल्स टू, कार्बन का हमारे पास होता है 12 एटॉमिक मास, और कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं कार्बन के, 6 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 मल्टीप्लाई बाय 12 प्लस ऑक्सीजन का होता है 16 मल्टीप्लाई बाय 6। हमारे पास जो टोटल आंसर आएगा वो क्या आएगा, 180 amu। फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। हाँ, हमें जो फॉर्मूला पूछ रहे हैं वो हमें जो लगाना है वो अप्लाई करना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल्स टू द नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोज नंबर, ठीक है। तो इन्होंने हमें गिवन मास दिया हुआ है, इसका हमने मॉलिक्यूलर मास निकाल लिया, और हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करने हैं। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो हम फाइंड आउट कर ही नहीं सकते क्योंकि हमें नंबर ऑफ मोल्स गिवन नहीं है। एवोगैड्रोज की वैल्यू मैं 6.02 एक्सपोनेंशियल 23 पुट कर दूंगी, मगर मैं नंबर ऑफ मोल्स कहाँ से लाऊं। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए मुझे सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालना पड़ेगा। तो पहले मैं नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करूंगी, उसके बाद मैं सेकेंड फार्मूला लगाऊंगी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का। नंबर फर्स्ट फार्मूला हम लगाएंगे, फाइंड आउट करेंगे क्या, नंबर ऑफ मोल्स। तो चलें पहले क्या करते हैं, हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू द गिवन मास ऑफ अ सब्सटेंस, गिवन मास ऑफ C6H12O6 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सब्सटेंस यानी कि C6H12O6। तो वैल्यू पुट करते हैं, गिवन मास हमें गिवन है 8 ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास 180, तो ये 0.04 मोल्स, ठीक है। अब जब मुझे ये मोल्स मिल गए हैं तो अब मैं क्या करूँगी, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल सकती हूँ, ठीक है। तो अब हम निकालते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल्स टू द नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोज नंबर। क्या हमने कैलकुलेट किया नंबर ऑफ मोल्स, 0.04 मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोज नंबर 6.02 एक्सपोनेंशियल 23 का 0.240 एक्सपोनेंशियल 23, और हम कह सकते हैं कि 2.4 एक्सपोनेंशियल 22, ठीक है। तो हमने नंबर ऑफ एटम्स भी फाइंड आउट कर लिए हैं और हमने